एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनुक्स हेल्थ टिप्स में, जहां पाते हैं दवाइयों और बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज हम पैरासीटामोल दवा के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको ये पता चल सके ये दवा किस बीमारी में काम आती हो और कितने स्ट्रेंथ में आती हो, किस किस को देनी चाहिए, कब कब इस टेबलेट को, इस दवा को दी जाती है और किसको नहीं लेने चाहिए, वो पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पैरासीटामोल की। चलिए आज कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एसिटामिनोफिन, जिसे हम पैरासीटामोल भी कहते हैं, पैरासीटामोल दवाओं का एक ग्रुप से संबद्ध है, जिसे एनाल्जेसिक या पेन किलर दवाओं के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग हल्के तथा मध्यम दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। ये बढ़े हुए तापमान, फीवर, बढ़े हुए तापमान, बुखार को कम करने के लिए भी उपयोगी है, जैसे ठंड के दौरान बुखार का आना या बदन दर्द के कारण बुखार आना या बचपन में बच्चों को टीका लगने के कारण बुखार को आना, इसमें इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। पैरासीटामोल को दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य रूप से तीव्र दर्द यानी कि तेज दर्द के इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है। तेज दर्द की स्थितियों में पीठ दर्द, सर दर्द, गठिया का दर्द या दांत का दर्द आदि शामिल है। ये दवा एक ऐसी दवा है जो हर पेन किलर दवा के साथ आती है, जैसे कि निमिसुलाइड पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल, एसिक्लोफिन पैरासीटामोल, आइबोजेसिक पैरासीटामोल आदि। पैरासीटामोल किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ देने पर इसकी मात्रा 375 रखी गई है, क्योंकि ये दर्द के साथ स्वेलिंग कम करने में भी काम आती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट एनाल्जेसिक के ग्रेड की दवा है। ये NSAID क्लास की दवा है। पैरासीटामोल का इस्तेमाल आमतौर पर फीवर और दर्द में किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए इसके जान लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर नेम, जिसे आप मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें पॉपुलर नेम है क्रोसिन, कालपोल, पेसिमोल, डोलो। फ्रेंड्स, अगर आप इसे इस नाम से सिंगल साल्ट में परचेस करते हैं तो ये 500 mg के स्ट्रेंथ में आएगी, और अगर किसी के साथ कॉम्बिनेशन में आप परचेस करते हैं तो ये 375 mg में आती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट की। तो इसके साइड इफेक्ट है स्किन रश, स्किन में स्वेलिंग होना, लीवर में इन्फेक्शन होना, किडनी में इन्फेक्शन होना, लो ब्लड प्रेशर। तो ये थे इसके कुछ साइड इफेक्ट। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके डोज, ओवरडोज के बारे में भी। लेकिन अगर आप बिना डॉक्टर की प्रेस्क्राइब बिना इसको ओवरडोज ले लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट यानी कि एसिडिटी, पेट में अल्सर की शिकायत होना, स्थिति गंभीर हो सकती है, उल्टी हो सकती है और घबराहट, बेचैनी भी हो सकती है। तो ये थे इसके ओवरडोज। आप इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, इसकी एडल्ट डोज के बारे में पहले जान लेते हैं। एडल्ट डोज 375 mg से लेकर 650 mg तक आप दे सकते हैं 4 से 6 आवरली। अब आइए इसके चिल्ड्रेन डोज के बारे में। तो इसकी चिल्ड्रेन डोज है 3 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे को 60 mg से लेकर 120 mg तक 4 आवरली दे सकते हैं, और 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक 120 से लेकर 250 mg 4 आवरली या 6 आवरली दे सकते हैं, और 6 ईयर से लेकर 12 ईयर तक 250 से लेकर 500 mg 4 या 6 आवरली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डोज के बारे में मैंने आपको राय दी है, आप लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब आइए जान लेते हैं इससे जिन लोगों को इससे एलर्जी होती है यानी कि हाइपर सेंसिटिव होती है, वो लोग इसको ना लें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पैरासीटामोल पर कुछ टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ आ चुका होगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड